जय श्री राम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे से यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हूँ मैं यहाँ अपनी गौशाला में। तो अभी दोपहर का वक्त है, तो यहाँ मैं आया था काम देखने, क्योंकि यहाँ हमारी जो नई गौशाला बनाने का कार्य चला हुआ है, तो वो अभी प्रोग्रेस पे है। तो उसी को देखने के लिए मैं यहाँ पे आया था अभी। तो उसको मैं थोड़ी देर बाद इस वीडियो में आगे ऐड कर लूँगा कि यहाँ पे जो कार्य है किस तरह से चला है। वैसे मैं कई दिनों से आपको वीडियो में दिखा रहा था कि हमारा जो ये कार्य है लगभग 15 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन ये काफ़ी डिले हो गया क्योंकि बीच में मौसम भी ख़राब रहा और थोड़ा सा यहाँ वोल्टेज की दिक्कत है, क्योंकि जो वोल्टेज है वो प्रॉपर नहीं आ रही है इस वजह से। तो इसलिए हमने अब यहाँ का जो कार्य है वो यहाँ पे जनरेटर के द्वारा हम कार्य कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे जो हमारे सभी गौ सेवक है वे गौ माता की सेवा का कार्य कर रहे हैं, जिसमें हमारे पिताश्री भी बिल्कुल अपना योगदान दे रहे हैं, और साथ में दूसरे गौ सेवक हमारे शिवराम जी जो अभी यहाँ पे गोबर निकालने का कार्य कर रहे हैं, और बाकी उधर हमारा अभी आगे जो नई गौशाला बन रही है उसका कार्य अभी चला हुआ है। तो अभी पिछले मैंने आपको शनिवार का जो वीडियो अपने इस चैनल पे आपको दिखाया था कि हमारी यहाँ गौशाला में ग्राम क्रीड़ा मंत्री की एक प्रधान आई थी, तो उन्होंने भी हमारी गौ माता के लिए यहाँ पे घास डोनेट किया है। तो मैं आप सभी दोस्तों से यही कहना चाहूँगा कि आप सभी भी हमारी इस गौशाला में आएँ और गौ माता के लिए जो आपसे बन सकता है सेवा ज़रूर करें, क्योंकि आपकी छोटी सी सेवा हमारे लिए काफ़ी बड़ी होगी। क्योंकि अगर आप हमारे लिए घास डोनेट कर सकते हैं या कुछ भी डोनेट कर सकते हैं, आप जरूर आइए। हमारी ये गौशाला ग्राम पंचायत के लिए और उदयम नगर के बीचों बीच पड़ती है, मद्रास NH जो मेन हाईवे है, तो लगभग 10 किलोमीटर होगी, और रामपुर से यहाँ पर लगभग 22-23 किलोमीटर टोटल दूरी है यहाँ की रामपुर शहर से हमारी गौशाला तक। तो आप सभी भी हमारी गौशाला में आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारी मदद करें, ताकि हम यहाँ पे मतलब जो गौ माता है उनकी सेवा हम कर सकें, और ये सब हो पाएगा जब आप हमारी मदद करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि अभी हमारी जो गौशाला निर्माण का कार्य है वो प्रोग्रेस पे है, बस ये थोड़ा सा डिले इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो काफ़ी ही कम है, तो इसलिए हमें यहाँ पर मजदूरन जनरेटर से काम चलाना पड़ रहा है। ये आप देख सकते हैं, तो हम यहाँ जनरेटर से काम कर रहे हैं क्योंकि लाइट की वोल्टेज बहुत ही कम है, इस वजह से जो वेल्डिंग मशीन है वो चल नहीं पा रही है। इसीलिए ये काम हमारा डिले भी हो गया, तो जो हमारा टारगेट था वो 15 जनवरी तक उसे तैयार करना था, लेकिन ये टारगेट हमारा अभी 15 फरवरी तक हो जाएगा। 15 फरवरी तक हमारा ये काम कंप्लीट हो जाए, तो उम्मीद है कि ये काम हमारा जल्दी ही हो जाए। और फ्रेंड्स, और आप ये देख सकते हैं जो हमारी गौ माता है जो जंगल में घास चरने नहीं जा पाती है, वो उनको हम यहीं पे शेड पर रखते हैं, तो इन्हीं के लिए हमें चारे की आवश्यकता होती है। लेकिन जो बाकी सारी गौ माता है वो तो सारी जंगल में घास चरने के लिए गई है, तो ये कुछ गौ माता है जो जर्सी टाइप है, तो इन्हें चलने में दिक्कत होती है। ये कुछ लोगों ने यहाँ पे छोड़ी है और कुछ हमने रोड से भी उठा के लाई है, और ये इनके बच्चे हैं, तो इस वजह से हमें यहाँ पे आवश्यकता रहती है चारे की। तो फ्रेंड्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारी मदद करें, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। तो आप हमारे हर वीडियो को देखा कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए, साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मैं आपको मिलता हूँ फ्रेंड्स अब कल के वीडियो में। तो आज का वीडियो बस मेरा इतना ही था, तो मैं अभी यहाँ से अब जा रहा हूँ वापस रामपुर की। तो जय माता दी, जय श्री श्याम।